यार सच में बोल दी। चैनल दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू और मेरा चैनल का नाम है बैकपैक पिंटू। कल आप लोगों को बोला था कि हम लोग जंगल में मंगल करेंगे और वही करने के लिए आए, मतलब अभी हम लोग पिकनिक कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है मेरे को खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज हम लोग पिकनिक में खिचड़ी बना रहे हैं। हाँ ठीक है, मानते हैं यार खिचड़ी कौन बनाता है पिकनिक पे, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ और मेरे संग जो लोग हैं वो लोग भी मेरे तरह ही है। तो चलिए दोस्तों आज का पिकनिक एंजॉय करते हैं। और अभी जिस जगह पे हम लोग हैं ना, ये पूरा पहाड़ी इलाका आप लोग देख सकते हैं, दूर दूर तक जंगल वगैरह। इस जंगल के बीच में कम से कम हम लोग 3.5 से 4 किलोमीटर तक चढ़ाई करके ऊपर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। बस हम लोग भी एक सेफ प्लेस देके यहाँ पे सब मजे कर रहे हैं। तो हमारे संग छोटी भाभी है और उनकी दो बेटी है, फिर और भी लोग हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है रूबी और कल मैं इससे मिला हूँ, रूबी से। बाकी बातें बाद में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन देखो ये लोग अभी सब काम कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ मजे। लेकिन यार रूबी को हल्के में मत लेना यार, बहुत दम कम है इसमें। पता है पानी खत्म हो गया था तो हम लोग नीचे गए थे और यार ये भाग के आ गई ऊपर बहुत तेजी से और मेरी तो लग गई थी पूरा नीचे। कोई ना, रेस्ट लेते हुए मैं भी आ गया। देख तो लो, यही यादें हैं मेरे पास, फिर चले जाऊंगा 2 दिन में। और ये अपना और एक छोटा ब्रो है, काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। अभी केले का पत्ता ये देख रहे हो, ये सब इसी ने तोड़ा, जुगाड़ बैठा रहा है ये घूम घूम के, क्योंकि हम ही लोगों में सबसे ज्यादा दमकम इसी में है। और इस पागल को तो जानते हो, हर वक्त मस्ती के मूड में और बहुत मेहनत से पानी लाएगी ये बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो यही सब तो होता है यार मस्ती। ये है रूबी, क्या क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ठीक है, खोटे तुम क्या बोलेगा? राइट है काकू, तुम क्या बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा? खिचड़ी होगा, खिचड़ी होगा सम्पाई जी। खिचड़ी ये रिया, ये देखो रिया। पता लेने के लिए जा रहा है, ये तो है हमारा। यार आप लोग वो दूर में देख रहे हो, हम लोग वहां पानी लाने के लिए गए थे और ठीक इस रास्ते से ना ऊपर चढ़ते हुए हम लोग वापस। और ये देख रहे हो बहुत खूबसूरत सा ये नजारा है।
बन गया है और मैं थोड़ा ये आसपास का जगह घूमने के लिए निकल गया हूँ। बस यार यहाँ पे बहुत प्यार मिला है और राजीव के घर पे भी होना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यार, छोड़ के जा नहीं पा रहा हूँ और वो लोग भी मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं। त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और अभी भी मैं राजीव के घर पे ही हूँ। देखते हो यार और कितना दिन रुकता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं तो पहला अभी यहाँ से मिजोरम के लिए निकलने वाला हूँ, सभी को बोला हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं मिजोरम नहीं जाके फिर आसाम चले जाऊँ, क्योंकि आसाम में अभी बिहू फेस्टिवल आरंभ होने वाला है इसी कारण, और बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ये बिहू। तो पता नहीं, सभी को मेरे को बोल रहे कि आप लोग, आपको बिहू फेस्टिवल अटेंड करना चाहिए, लेकिन देखते हैं यार क्या होता है। और इधर मेरा भाई चरणजीत वो भी एक्सप्लोर कर रहा है जम्मू कश्मीर पूरा, और उसने आज कॉल किया था, बोला कि यार मैं अभी जम्मू कश्मीर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ दिनों तक घर पे था। बोला ठीक है ख़त्म कर ले, तब तक मैं आसाम और मिजोरम कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि उसका आसाम और मिजोरम कंप्लीट हो गया है, फिर साथ में हम लोग मणिपुर नागालैंड अरुणाचल कंप्लीट करेंगे और लद्दाख की तरफ जाएंगे। बहुत मिस कर रहा हूँ चरणजीत को। दिख रहा है यार, और देखो मेरे साथ कौन कौन है। ठीक है यार, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि अलग दिशा से रोशनी आ रहा है ना इसलिए, लेकिन आप लोग एडजस्टमेंट कर लोगे मेरे को पता है। तो खिचड़ी खा लेते हैं ना, फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो हम लोगों का हो गया, अब चलेंगे घर के तरफ, क्योंकि अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल लेंगे, वही सबसे अच्छा होगा। तो भाग गया यार, तुम लोग के साथ में हूँ, और सबने बहुत ज्यादा मेहनत किया मेरे को छोड़ के, आप लोगों को पता ही है, मैं सिर्फ मौके के तलाश में रहता हूँ यार, जब कोई सारा काम कर लेता है तब मैं पहुंचता हूँ उस जगह पे। तो इन सबके संग इस जगह पे आज का दिन टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, और यार ये सब ना राजीव मेरे लिए किया है, वो काफी टाइम से मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहता है, थैंक्स। तो बस अभी सब कोई मिलके अब चलते हैं रूम की तरफ।